गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप साहब। दिन का हो रहा है 2 बज रहा है और डे है सैटरडे और आज है 20 तारीख। ठीक है, तो आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो मैं आज बहुत खुश हूँ और वो मेरे लिए कुछ लेके आ रहे हैं। जैसे सुना लॉकडाउन लगने वाला, मैंने उनसे बात करी थी अपने जो फिश करी वाला लास्ट टू लास्ट ब्लॉग है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं बात कर रही थी और हस्बैंड मेरे उनको बता रहे थे कि मम्मी लॉकडाउन लग रहा है तो आप सब राशन वगैरह भरा लेना। तो वो मेरे ही चावल जो है 1 कुंटल मैंने उनसे कहा था मम्मी कहीं से ले देना, तो फिर उन्होंने 1 कुंटल चावल जो है बीन के उसे मुझे अच्छे से दिया है। मैंने अपनी लाइफ में चावल मम्मी के सामने नहीं बीना है, ठीक है, और ना ही मैंने कभी प्याज काटा है अपने घर पे। तो ये कुछ काम है ना जो मम्मी पापा ही करवा सकते हैं और ये मेमोरेबल होते हैं और कभी भी जो है कोई दूसरा इंसान उनकी जगह नहीं ले सकता है। और कभी कभी जो है कुछ बच्चे जो हैं, बच्चों को जब रियलाइजेशन होता है वो आफ्टर मैरिज होता है कि हमारे लिए कितने कीमती थे और जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता है, जितने सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग हमारे लिए। पहले जब हम लोग मतलब शादी नहीं हुई होती, कुंवारे होते हैं, तब फिर पता नहीं चलता है। आई थिंक कितने लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे वो मुझे बताना। और स्पेशली लड़कियां जो होती हैं वो ससुराल में रह के भी वो मायके के बारे में ना सोचना छोड़ती हैं और ना ही माँ बाप उनको 1 सेकंड के लिए सोचना छोड़ते हैं। और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, झाड़ू लगाने वाले हो रहे हैं, बिल्कुल झाड़ू लगाने वाले, ठीक है। तो इनको जो है मैं कुछ करवाऊँगी, मेरे बहुत गुस्सा आती है इन बालों को छू छू के। तो इनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत, देखने में ये फ्रीजी लगते हैं, रफ लगते हैं, लेकिन रियल में जो है ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। तो इनका जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों दिखने में ऐसे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इनमें केराटिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और मुझे वही कराना चाहिए या फिर परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करा लूँगी। इरीटेट मत होना मैं बाल को छू रही हूँ क्योंकि मुझे खुद इरीटेशन हो रही है देख के। और मुझे सारा काम हो गया है तो बस मुझे फटाफट से अभी बाहर के पोर्च की क्लीनिंग करनी है, छत की करनी है और थोड़ा सा राशन भरना है। चलिए फिर मैं मिलाती हूँ आपको पापा मम्मी से अपने। मम्मी कैमरे में आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन मैं पापा को आपको ज़रूर दिखा दूँगी, थोड़ी सी झलक उनकी चीटिंग से शूट कर लूँगी। तो ये जब हो गया सारा, बस मैं इतना जितना मैंने रायता फैलाया है इसे मैं साफ़ करूँगी अच्छे से। और साफ़ करने के बाद पोर्च, अभी वैसे भी झाड़ू पोछे के लिए सब बचा हुआ है धुलाई के लिए, और पोर्च की हम धुलाई मार देते हैं क्योंकि पोर्च में गाड़ी खड़ी होती है, बाहर से आती है और बाहर जाती है बार बार, तो इसलिए पोर्च की हम रोज़ धुलाई मारते हैं। तो यहाँ पे सारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया और पापा मेरे आ गए, मम्मी भी आ गई। मम्मी इधर बैठी हैं, जो आपको पैर दिख रहा है उनका दिख रहा है, और इधर हस्बैंड मेरे बैठे हुए हैं और ये मुझे छेड़ रहे हैं क्योंकि मेरे चेहरे की खुशी अलग है। और मैं इनसे कह रही हूँ टीवी बंद कर दो, मुझे टीवी से ना बहुत इरिटेशन होती, मैंने बचपन से ही कभी नहीं देखनी, एक आध सीरियल कोई देख लिया। अच्छा, किसको उसको याद है वो अंधेरा कायम रहे, एक कोई कैरेक्टर था, मुझे उतना नहीं याद है, लेकिन हाँ मुझे ये वाली लाइन डायलॉग बहुत याद है। और एक शक्तिमान हम लोग देखते थे तो उस टाइप से देखते थे, संडे एक शो आता था, बस उसके अलावा हम नहीं देखते थे। तो मुझे आदत नहीं है टीवी की, और कभी कभी शायद कोई गोपी बहू वगैरह ये साथिया वगैरह सीरियल आते हैं ना, ये सब देख लूँ तो देख लूँ शायद, बहुत रेयर केस में, अदरवाइज मैं नहीं देखती हूँ टीवी, मेरे कानों में चुभती है। और पापा को मैं लगा रही हूँ तो हस्बैंड मुझे कह रहे हैं देखो देखो बाप बेटी का प्यार देखो, बेटी खुशी देखो। तो ये जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ तो मुझे पापा के पास मम्मी पास ले भी चले जाते हैं और या तो फिर इन्हीं को बैठा के ले आते हैं। मेरा घर पापा के घर से 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन
ये ले आते हैं मेरी खुशी के लिए, इतना कर देते हैं। और इनको बहुत अफसोस रहता है कि मेरी बेटी नहीं है। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, सच में अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती हैं। और मुझे बहुत खुशी लग रही थी पापा को ऐसे करके, और मेरे हाथ काले हो गए थे। तो मम्मी, हम देख रहे थे अपने, मम्मी देख लिया थे, मम्मी ने देख लिया था मुझे देखते हुए। तो मम्मी पापा को गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी वजह से हाथ काले हो गए, बर्तन तो उससे मंजवाते। मेरे पापा ने आज तक मुझसे कभी काले बर्तन नहीं मंजवाए, ना ही अपने मांज लेते हैं। लोग आके टोक देते हैं और सब शर्मा जाते हैं, मुझे शर्माने लगती है इवन, लेकिन पापा नहीं, पापा कहते मेरे लड़की के हाथ काले हो जाएंगे। और अभी इन्होंने देखा नहीं है और ना ही जान रहे थे कि काले हो जाएंगे। तो मैंने हाथ से लगा दिया, क्योंकि फिर चले जाते हैं, दो घंटे के लिए मात्र आए थे। और मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया सारा काम, ना ही प्याज मैंने कभी अपनी लाइफ में काटा है पापा के सामने। और हमसे तो नहीं होता भैया ये काम। धोने ही नहीं याद आ रही थी, तुम्हारी याद आ रही थी। तो कितना पुराना बिस्तर है वो, जब तुम लोग छोटी थी तब बनाया था मैं, हमें लग रहा तुम भी नहीं रही हो। जो अभी हम ओढ़ रहे हैं, उसके बाद सुल्तान जब हुए तो उसके अस्तर चढ़ाए थे। अच्छा, अभी चल रहा है वो। अच्छा, अब सोच रहे फिर उसको उधेड़ के ऊपर का हटा देंगे, फिर से चढ़ाएंगे। और हम लोग जा रहे थे कि गोश्त ले आए, मूंग गोश्त बनाएंगे और कलेजी बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे। लेकिन मम्मी पापा को ये था कि बस एक घंटे में निकलना है, दो घंटे में, दो घंटे या तीन घंटे बहुत ज़्यादा रुके होंगे। तो मैंने दाल चावल बनाया, फिश थी वही वाली खाई, बस हो गया। और दो एक दो राउंड चाय वाय पी। और मुझे खाने का शूट करते किसी के साथ भी अच्छा नहीं लगता है, हम लोग अपना कर लेते हैं, लेकिन किसी के साथ भी, मम्मी पापा भाई बहन किसी के साथ भी मुझे खाने का शूट करते अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है। तो ये जो कबूतर दिख रहे हैं आपको, ये दो आते हैं और ये हमेशा आते हैं, और रहते तो बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं और आते रहते हैं। और थोड़ा सा ग्रीन एरिया टाइप है भी हमारा, थोड़ा सा विलेज का टच देता है हमारा जो एरिया है, ये विलेज का टच देता है, फील भी देता है। और खेती बाड़ी भी होती है। ये देखिए मैंने ऊपर से प्लांट लगा रखे हैं, और मैं आपको ये हैंड दिखा रही थी, मुझे नेल पेंट की जरूरत नहीं है और मेरे नेल्स पे ब्लैक वाला कलर चढ़ गया है। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं, एक में चार चार पांच पांच गुलाब खिले हुए हैं। मिल नहीं रहा। हाँ, अब मिलेगा मुझे, अब वो खुद ही देखिएगा। नहीं मिलता, कितने लोग देख कर चले आते हैं और कितने लोग नहीं। तो तुम रुको, मैं ढूंढ लूंगा। इधर नहीं मिलता ना, आज के ब्लॉग तो नहीं लोग कर रहे। ऐसा मैं इधर नहीं मिलता। अच्छा ब्लॉग स्टार्ट करो, चलो चलो ब्लॉग स्टार्ट करो। देख, ये रहे, ये रहे, ये गए। आप लोग देखो, आप लोग खुद तो ये नॉट सब्सक्राइबिंग 91.7 देख नहीं रहा, फोकस लेने दो, पहले बैक कैमरे से दिखेगा। हाँ, ये बैक कैमरे 91.7% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, और तो 8.3 लोगों ने अभी सब्सक्राइब करा है। 8.3% लोगों ने व्यूज कितने गए हैं अपने? व्यूज 9 लाख समथिंग गए हैं। 9 लाख व्यू आ तो कि 8% सब्सक्राइब, नॉट सब्सक्राइबिंग। अगर दूसरे लोगों के अगर आप लोग देखेंगे, देखो देखो ये रहा, ये रहा, ये नहीं, ये 27 और 91। मम्मा आपके तो मामा बैट लगी हुआ है ना, लोगों का गुजला करते हैं। हाँ, सब लोग देख ही के चले आते हैं। मम्मा ने इसे ऐसे पूरे 3 साल वीडियो नहीं डाली थी, एक साल वो, एक साल एक साल वो,
वॉचिंग टाइम यू अरे एडिटिंग में कितना टाइम लगता है बताओ मम्मा पूरी एडिटिंग में कम से कम 2 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटा एग्जैक्टली और देखिए ऐसा आप लोगों की वजह से हम लोग अपनी टीवी नहीं देख पाते चाहते चाहते तो कभी नहीं है तो दो लोग कभी नहीं सकते क्यों वो करते ही नहीं अब करेंगे नहीं तो फायदा क्या उनको मुझे तो हम इतना बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो ज्यादा करो आप कुछ बनाए के खा रहे हो हाँ हाँ क्या रहते हैं पानी मुझे नहीं तो कभी खाएंगे नहीं ना मुर्गी रही तो खाएंगे नहीं।